watching me on Cinespeaks. Hi, my name is Manu Rishi and you are watching on Cinespeaks. Cinespeaks में आपका बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले तो congratulations, आपकी मूवी आ रही है दूरदर्शन. तो ये दूरदर्शन हमें जो पिछले 90s में लेकर जाते हैं, हाँ 80s और 90s में हमें लेकर जाते हैं, इसे elaborate करके आप समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि exactly है क्या. देखो, एक दौर था जो थोड़ा स्लो था आज के हिसाब से, और जो भी आज 90 में 16-17 साल के थे उनको वो बातें सबको याद हैं, और वो अक्सर अपने बच्चों के साथ या अपने से छोटों के साथ डिस्कस करते हैं. तो किसी भी दौर में जाना, किसी भी एरा में जाना, अपने में जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता है उससे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, क्योंकि यादों में रहना एक ह्यूमन एक्सरसाइज होती है. तो 90s में, 80s और 90s में का जो दौर था वो हमने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है, लेकिन आज के दौर के लोगों को भी समझाने की कोशिश की है कि वो कितना मज़ेदार कुछ था, पर उसके साथ एक कहानी भी चल रही है जिसमें एक माँ और पूरा परिवार उसका लगकर उसके लिए क्या क्या वो कर रहा है, क्योंकि वो 24 साल के बाद कोमा से बाहर आ रहा है. आप दोनों के कैरेक्टर के बारे में अगर आप बताना चाहो तो. ये लड़ाकी सी बीवी है, ये बहुत इरिटेटिंग है. मतलब मैं ये मेरे से कह रही है डिवोर्स दे दो. अच्छा, डिवोर्स कैसे दिया जाता है? आराम से बैठ के या लीगली होता है? अभी दो आपके साथ आराम से बैठ सकता है मेरे साथ आराम से क्यों नहीं बैठ सकता? मैंने क्या बिगाड़ा भाई किसी का? इरिटेट इतना करते मैं क्या इरिटेट करता हूँ? मैं खराटे मारता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो ये मैंने आपके ड्राइवर को बोल दिया था, मैं तो रेड पहन के उतरा था, तो जैसे ही उसने बताया ब्लैक पैंट में ऊपर गया अपने पैंट. यही तो प्यार है, यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं डिवोर्स नहीं देना चाहता. यही तो प्यार है. ये तो आपकी ऑन स्क्रीन नोकझोंक तो चालो हम देख ही रहे हैं. हाँ, ये ऑफ स्क्रीन भी नोकझोंक होती रहती है आप दोनों के बीच जब भी कैमरा रोल ना हो. मिलते कहाँ है? ये मिलती नहीं है. ये मिलते नहीं है ऐसे, हम मिले तो थे अभी एक सेकंड गुरुद्वारे के बाहर, बाबा जी के जन्मदिन पे. और ये आई जस्ट वांट टेल के इतनी फनी है, मतलब मुझे इतना हंसाते थे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, बट ये मुझे जो हंसाते थे वो डिस्क्रम तो बहुत हंसाते हैं. ये रियल में बहुत हंसाते हैं, पूरी कॉमेडी माही हंसती थी. तो मेरे को लगता था कि जोक्स जो हैं सफल हो गए, अब इनको लिख दो क्योंकि मैं राइटर भी हूँ, ये यूज करेंगे तो बहुत. बात हंसी की हो रही है तो ये जो जॉनरा है वो कॉमेडी जॉनरा है, और आजकल तो हम जानते हैं लोगों को रुलाना जितना आसान है उतना ही किसी को हंसाना मुश्किल भी है. तो आपने कुछ डिफिकल्टीज फेस की कॉमेडी जॉनरा के लिए, नोइंग दैट ये आपका फर्स्ट टाइम है? आई जस्ट फील दैट इफ द स्क्रिप्ट इज वेल रिटन, आपका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग में लिखा हुआ है, तो दैट डज इट ऑल. इट्स ऑल ऑन द राइटर्स, ट्रस्ट मी. अगर राइटर ने आपकी चीज़ लिखी अच्छी और आप उसको परफॉर्म कर दिया जो डायरेक्टर चाहता है उस तरह से, सो आई थिंक नो आप निकल गए. अगर यू नो आई हैव ब्लेस्ड दैट वे, बिकॉज अब तक जो मैंने काम किया मैंने लिखा बहुत अच्छा किया. अगर आपकी चीज़ अच्छी लिखी नहीं होगी आप क्या करोगे? बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते है ना. ज़िंदगी के हिस्से हैं इसके अंदर, और जब भी उनको किस्सों में तब्दील किया जाता है तो हमें ये सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि चाहे जितनी मर्जी तकलीफ में हम रहें लेकिन उसके हंसने वाली बातें ही हम लोगों के आगे करें. तो स्क्रिप्ट में वो सब था, राइटर डायरेक्टर ने वो सब लिख के दिया था. हमने उसके साथ कनेक्शन इसलिए बनाया अपना क्योंकि हम उस दौर से थे, डायरेक्टर उस दौर से था, डॉली जी, माही, मैं, बच्चे नहीं थे, लेकिन तो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे एज एन एक्टर कि अच्छा ऐसा होता था वैसा होता था, और वो भी इन्वॉल्व हो गया. तो इन टोटैलिटी ह्यूमर जो है वो हम लोगों के पास है ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता कि वो डिफ़िकल्ट चीज़ है. हाँ, दौर इतना ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा कड़वा चल रहा है इस समय कि थोड़ी देर लगती है हंसने में, लेकिन अगर हंसने का माहौल बन गया एक बार तो आप कई दफ़ा देखोगे, आज भी सुबह सुबह गार्डन से कितने लोगों के हंसने की आवाज़ें आती हैं. लोग हंसना चाहते हैं, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ थी, और उसी को हमने टूल बनाया कि हम कॉमेडी में रियलिस्टिकली लोगों को हंसाने में कामयाब हों. सर, ये तो हम सब जानते हैं कि आप बहुत अच्छा डायलॉग्स भी लिखते हैं, आपको तो अवार्ड भी मिल चुका है डायलॉग लिखने के लिए. इस मूवी में भी आपने कुछ अपने डायलॉग्स? नहीं नहीं यार, बाई चांस ही नहीं गया. मैं इसमें एक्टर था और मैं जिसके पैसे मिलते हैं मैं वही काम करूँगा ना. मुझे लिखने के पैसे इन्होंने नहीं दिए, तो मैंने एक्टिंग की. हाँ, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन जो होती है उसमें कभी कभी कुछ चेंजेस होते थे, तो डायरेक्टर अच्छे से जब कन्विंस हो जाता था
कभी कभी थोड़ी बहस होती थी, लेकिन फिर जब वो कन्विंस हो जाता था तो हम तो हम फिर उसको कर लेते हैं। बात करें टाइटल की, दूरदर्शन टाइटल, तो हम जानते हैं कि 80s 90s में दूरदर्शन बहुत चलता था, तो आपकी कोई फेवरेट शोज है जो आप देखते थे वो टाइम पे? मेरा तो बुनियाद, मैं तो भुला ही नहीं कभी उस शो। मुझे ये जो है जिंदगी, देख बाई देख, मुझे मैं ये हमेशा कहना चाहती हूँ कि पहले हम टीवी को सुनते थे, अब सिर्फ देखते हैं, बराबर है ना, तो उस टाइम की तभी वो चीज़ें याद है आज। करेक्ट करेक्ट, रजनी, रजनी अपने में एक शो था, जो रजनी था, मालगुड़ी डे, मतलब आप सच में, मतलब कोई चाहे एक दिन आप बंद कमरे में आज की जो ऑडियंस बनी हुई है उनको ज़बरदस्ती ये शोज दिखा दो, वो लोग तब्दील हो जाएगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा और आफत आ जाएगी टीवी इंडस्ट्री के अंदर कि वो जो लेवल है उस लेवल का क्रिएट करना जरूरी है। जब भी आप बच्चे थे तब से लेकर अभी आपके खुद के बच्चे हैं, तो ये क्या दौर में क्या चेंजेस आए हैं आपको लगता है? हम बड़े हो गए यार, और कोई चेंज नहीं है, टेक्नोलॉजी में पट लिया, पैदा ही नहीं हुई, ये पैदा कहाँ हुई है, तू कहाँ हुई अभी पैदा? नहीं सर, kids are only watching mobiles, exactly, which is so sad. I mean, पहले I remember I was in the hostel, हम लोग ground में खेलने भी जाते थे, आधा घंटा टीवी भी allowed था, घर में बहुत strict थे, parents बहुत strict थे, अभी तो iPads and ये सब, I mean they just mobile to it. Mobiles have become necessity as well, but at the same time a boon too. Correct. Yeah, but somewhere you need oxygen, you need, you know, those kind of games जो लोग वो की memories में रह गई हैं, अब कहाँ किसी को पता चलेगा यार, I'm worried, मेरे को बुरा भी लगता है कभी कभी कि कहीं गुल्ली डंडे पड़े ही हुए हैं, कोई खेलना नहीं चाहते, कहीं कंचे वो हैं, कंचे और life is so private also that time, it's so private life, mysterious, interesting life, correct, everything is open, अभी वो सब एक लैपटॉप में, एक मोबाइल में सिकुड़ गया है, आजकल के बच्चे बाहर खेलने भी नहीं जाते, छोटे छोटे बच्चों को विटामिन डी का इशू हो रहा है यार, मतलब व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग, पेरेंट्स को सोचना चाहिए इस चीज़ के लिए कि भेजो, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं, पहले हम लोग थे, आई स्टिल रिमेंबर मैं 8-9 साल का होता था, अपने घर से कोई 2-3 किलोमीटर जो है ना आकाश में देखता हुआ चल रहा होता था, आई नो, लेकिन फिर भी गार्डन तक भी भेजने के लिए ना, मेरे बड़े पापा कहते थे कहाँ जा रहा है, मैंने कहा मैं पतंग लूटने जा रहा हूँ, कहते अच्छा लूट के आना, चल ना, काफी 2-3 किलोमीटर आगे निकल गए, साइकिल चला के स्कूल जाते थे, दूर दूर तक, ये तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली सो बात करें 80s की, आप जब भी शूट करे थे, ऐसा कोई स्पेसिफिक मोमेंट जिसने आपको आपके दिनों की याद दिलाई हो? टोटली पूरा टाइम, एक तो मैं, मनु और हमारे डायरेक्टर और अपने डॉली मैम, हम सब वहाँ से हैं, तो वो फ्लेवर है, एक कमाल की चीज़ क्या है, मैं शेयर करूँगा कि हम, हमारा एक दिन पहले तक शूट पहला सीन था जिसमें हमें टीवी को ही दिखाना था और टीवी अरेंज ही नहीं हो रहा था, एंड मुझे डायरेक्टर बोलता है कि मनु भाई इतना कुछ ख़त्म हो गया है कि आर्ट डायरेक्शन में वो टीवी मिल नहीं पा रहा जिसको हम दिखा पाए, एंड हम बैठे हुए थे और जो लोकेशन थी उस लोकेशन के स्टोर रूम में हमको वो टीवी मिल गया, एंड कुछ हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, शिद्दत थी हमारी, फिल्म बनाने का मन था, उस दिन वो टीवी नहीं आ रहा, तो एक दिन का शूट शायद हमें कोई और सीन करना पड़ता, लेकिन ऐसे अपने आप जाते जाते एक स्टोर रूम था, वो स्टोर रूम के अंदर कुछ और देखने गए, कुछ हटाया और वहाँ टीवी मुस्कुराता, और वो टीवी हम लोगों ने फिर उसको यूज़ भी किया। We used to have cassettes का लाइब्रेरी earlier, which I mean I love that concept, cassettes पड़ी हुई हैं। हमें हमारे पास अब भी हमारे घर में अभी जमा है। तो मैंने भी रखी हुई हैं, यू नो, तो इसलिए वो जब देखते थे या फिर वो टीवी के थप्पड़ मारना या एंटीना, बिकॉज आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ ऑल्सो, कोठी के ऊपर मटीरियल लगे होते थे हमारे, थप्पड़ मारने की आदत वहीं से पड़ी थी, मेरे को लग रहा है थप्पड़ मारो ठीक हो जाता है, थप्पड़ मारो कोई ठीक नहीं होता।
बात करें बॉलीवुड की, आपको लगता है आजकल बहुत लोगों को फ्रीडम है अपनी बात रखने की, तो तब से लेके आज तक बॉलीवुड में क्या चेंजेस है? आपको लगता है ये कॉन्ट्रोवर्सीज हो रहे हैं, हर एक चीज़ पे बैन पड़ रहा है, तो क्या चेंजेस आए हैं? पहले तो जो भी बनता था लोग दिखा देते थे, अब क्या चेंजेस आए हैं? नहीं, चेंजेस कुछ ऐसे खास नहीं आए, मैं आपको सजाता हूँ, पर हाँ कॉन्ट्रोवर्सीज में भी एक अटेंशन मिलती है। और देखिए क्या होता है कि अटेंशन कॉन्ट्रोवर्सी से मिलती है, जिसके लिए अटेंशन मिल रही है उसके भाव अपने आप बढ़ जाते हैं। बस वो थोड़ा सा खेल है और कुछ नहीं है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। अब हम जैसे सिंपल फिल्म बना रहे हैं, हम इसके अंदर क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करें, तो हम ये भी फॉलो कर रहे हैं कि उस दौर की तरह ही प्योर फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई दिखा नहीं पाता है, कभी कभी फिल्में वो एडिट हो जाता है लेकिन आप डिजिटली उसको रिलीज कर देते हैं। 100,000 ऑफ प्लेटफॉर्म्स ना, अब इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लोग कोई गंदा लिखता है, किसी को दूसरी बेचो चाहिए गंदा लिखा है, मैं भी गंदा लिखता रहता हूँ। आई डोंट नो, इट्स बिकम रियली, रोकना तो हर दौर में होता है यार, किसी एक दौर को आप। पर उस टाइम पे ना एक ही होती थी, वही चलती थी अच्छे से, है ना, मतलब इट वाज प्योर नाइस एंड यू हैड द जो आपके मन में बोल सकते थे, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आखिर में हमारे दर्शकों को पिछले 1980s में लेकर जाके उन्हें ये बताइए कि ये दूरदर्शन को देखिए जरूर। बिल्कुल, दूरदर्शन को देखिए, जो बच्चे हैं उनको अपने माँ बाप का समय दिखेगा, और जो बड़े हैं हमारी उम्र के हैं उनको भी अपना समय यादों में अच्छा लगेगा, विजुअली अच्छा लगेगा। और एक पारिवारिक फिल्म है, फैमिली फिल्म है, प्यारी सी फिल्म है, आपकी फिल्म है, प्लीज़ देखिए माई की तरफ से। और इनकी उम्र के लोगों को भी पता चलेगा, मेरी उम्र के लोगों को भी पता चलेगा। मैं इसे तो बड़ा ही हूँ थोड़ा, बहुत अच्छा, 20 बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। 28 फरवरी को दूरदर्शन रिलीज हो रही है, प्लीज़ जाकर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर।